हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी गोवर्धन पूजा आप सभी को। और आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमिक की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोज देखने हैं, अकेडमिक का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आएगी और आप वीडियो को लाइक शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, दे रखा है कि 4-2 8 लिखा है, 7-3 22 लिखा है, 6-3 9 लिखा है, तो 9-4 क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन क्या चल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपको साथ साथ में आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको टेस्ट के तौर पर भी वीडियो को देख सकते हैं, आप ट्राई करके देखिए। तो इसमें चल क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16। ठीक है, 16 यहाँ पे कुछ नहीं आना है, 16 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो समझ में आ गया ना, बड़ा सिंपल सा है। फिर यहाँ पे 7 और लिखा है 3, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 माइनस 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 3। नेक्स्ट है आपका 6-3 लिखा है, 9। तो देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 36-27 करेंगे क्योंकि 3 का क्यूब आपका 27 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, और माइनस करेंगे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 17। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई करके देखिए, बहुत ही सिंपल सा है ये भी। और 2 का राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए इसमें क्या चल रहा है, -6 चल रहा है। और -6 भी इस तरीके से नहीं चलेगा, डायरेक्ट नहीं चल रहा है, ये सेकंड नंबर पे -6 चल रहा है। देखिए 36 में से मैंने -6 किया तो कितना आएगा, 30 में से -6 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे -6 करूँगा तो 28, और 28 में से मैं -6 करूँगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका ये 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे -6 चल रहा था। ठीक है, -6 -6 -6 और -6 इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सीरीज को और ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा, आप देखिए एक बार ट्राई करके, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट्स के नंबर, यानी कि सी की कितने नंबर पे आता है, सी आपका तीसरे नंबर पे आता है, ये आपका पहले नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है, ठीक है, ई आपका 5वें पे आता है। ये मैंने सब कुछ आपको याद करा रखे हैं, अगर आपने मेरी सारी रीजनिंग की वीडियो देखी होगी। तो ये अगर आपको पता है तो इसको बहुत ही ईजिली आप कर लेंगे। देखिए कैसे, सी आपका तीसरे पे होता है, ए आपका पहले पे होता है, 3 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर आपको पता है कि ए पहले पे है और जी आपका 7वें पे है, तो इसमें प्लस कितना करेंगे, 7वां बन जाए तो +6 हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है, इस चीज़ का ध्यान देखिएगा। जो ये सीरीज होती है ना, ये कंप्लीट करने वाली, इनमें ज़्यादातर प्लस माइनस ही चलता रहता है। बट यहाँ पे लॉजिक जो होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस नंबर पर आता है। ई आपका 5वें पे है, फिर 7 में से -2 किया तो -2 करके, फिर ये ई 5वें पे है, के आपका आता है कितने पे, 11वें पे, तो 5 में कितना, 6 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से सीरीज चल रही है। -2 करेंगे फिर आपका 11 में से 2 माइनस करेंगे, 9 पे क्या आता है, आई। ठीक है, तो 9 पे ये आता है, ओ आपका 15 पे आता है, फिर यहाँ पे आपका एम 13 पे आता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको 2, अब ये बताने कि ये कौन से हो गए। अगर एम 13 पे है और इससे पहले ये ओ, देखिए इसमें से 2 माइनस होकर आ रहा है, तो एम में हम प्लस क्या करेंगे, 6 करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 पे आपका एस आता है। ठीक है, फिर -2 कर दीजिए, ऐसा आपका कितने पे आता है, 19 में से 2 माइनस करेंगे तो 17, और 17 पे क्या आता है आपका, क्यू। तो यहाँ पे एस और क्यू राइट आंसर हो जाएगा, तो एस और क्यू देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं सबसे पहले, बट आपको इनका सभी का नंबर पता होना चाहिए। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इसमें से बताना है कि ग्रासोफेयर जो लिखा है, इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता।
तो ये भी मैंने आपको सिखा रखा है कैसे करना होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए से ट्राई करना होता है, और ऑप्शन ए से भी पहले वर्ड से, बस आपको ये चेक करते जाना है कि इनमें से कौन कौन सा वर्ड यूज होके ये ऊपर दे रखा है ना ग्रासोपियर, इसमें से निकाला गया है। जैसे यहाँ पे एच इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है, इसमें भी है, पी इसमें भी है, इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो ये तो बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एस इसमें भी है, इसमें भी है, एच इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है, इसमें भी है, पी इसमें भी है, इसमें भी है। फिर यहाँ पे आते हैं इसमें, इसमें जी है, ठीक है, आर भी है, ए भी है, बट इसमें एम नहीं होता है कहीं पे भी, तो ये वाला वर्ड जो है ये नहीं बनेगा, जो ग्राम लिखा है ये इसमें से नहीं बन पाएगा ग्रासोफेयर में से, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है थंडर बोल्ट, तो ये आपको ट्राई करना है इसमें से बिल्कुल वैसे ही। तो अगर इसमें मैं देखूं तो बी इसमें भी है, इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसमें भी है, एन इसमें भी है, इसमें भी है, डी इसमें भी, इसमें भी, तो ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे एच दोबारा से हम कर लेते हैं, एच इसमें भी है, इसमें भी है, यू भी है, ठीक है, एन भी है, और टी भी है इसमें, और ई भी है, और आर भी है, यानी कि ये भी बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, ये इसमें भी है, ओ भी है, टी भी है, एच भी है, ई भी है, आर भी है, तो ये भी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये आपका राइट आंसर हो चुका है, यानी कि ये किसी न किसी तरीके से ये इसमें से नहीं बन सकता होगा, क्योंकि तीन राइट हो गए तो एक तो आपका राइट आंसर बनेगा ही, कि इनमें से कौन सा नहीं बन सकता। तो ट्राई कर लेते हैं फिर भी, बी ये भी है, ओ भी है, ठीक है, इसमें देखिए डब्लू कहीं पे नहीं होता है, थंडरबोल्ट में कहीं पे भी डब्लू नहीं आता, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं, और एक क्वेश्चन तो जरूर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 3, 4, 5, ये छठा क्वेश्चन है, तो ठीक है, छठे क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया एक दो पटरियों वाले रेल मार्ग पर दो रेलगाड़ियां 200 किलोमीटर दूरी के दो स्टेशनों से एक ही समय पर छूटती है, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं भी आपको समझाऊंगा, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उनमें रेलगाड़ी एक पश्चिम की ओर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरी विपरीत दिशा वाली रेलगाड़ी बी पूर्व की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तदनुसार 3 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, ये 200 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, इसमें एक रेलगाड़ी तो जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाली पश्चिम की ओर जाती है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगी, और एक पूर्व की जाएगी, तो ये जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर की दूरी पूरी टोटल है इस डिस्टेंस में। अब यहाँ पे बोला कि 3 घंटे बाद एक ही समय पे दोनों रेलगाड़ी छूटी हैं, ये एक दूसरे की तरफ को जा रही हैं, यहाँ पे बोला गया 3 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि 3 घंटे में कितनी चल चुकी होगी, 150, इसमें मैं अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 50 किलोमीटर एक घंटे में चलती है तो 150 चल चुकी होगी, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 किलोमीटर ये चल चुकी होगी। तो आप ना ही तो अभी इसने पूरी अपनी डिस्टेंस कवर की है, और ना ही इसने डिस्टेंस कवर की है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वही आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि जो भी इनके बीच की दूरी आएगी वही इनके बीच में इस टाइम पे दूरी बची होगी। तो इनके बीच में दूरी कितनी बची है ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इनके बीच में कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आपकी समझ में आ गया होगा, आपने इसका राइट आंसर भी कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और इसको ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है, 12, 20, 28 यहाँ पे लिखा है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 12, 20, 28 में रिलेशन क्या है, अगर ये आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो तभी उसके बाद ही आप जा करके ऑप्शन को राइट बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 12, 20, 28 की, तो 12, 20, 28 में एक रिलेशन चल रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चल रहा है देखिए 4 × 12, ठीक है, 4 × 3 में की, तो 4 × 12 होता है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 4 × 3, 4 × 12, ठीक है, ये इसके लिए मैंने लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया गया है, सॉरी ये 4 × 12 है ना, तो 14 है, 4 × 12 लिखा है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, 4×5, 20, यानी कि 3 में +2 किया, 4 तो अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहाँ पे +2 करके चल रहा है, तो 4×5, 20, ये इसके लिए हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 4 × 7, 7 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 में फिर +2 करके लिख लेंगे, ठीक है, तो 4 × 7 = 28, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 28, तो ये 28 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सीरीज आपको समझ में आ गई, तो एक सीरीज इन चारों ऑप्शन में से बिल्कुल ऐसी चल रही होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूँ तो ये कभी भी आंसर नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे डिजिट कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके आई है, और यहाँ पे 3, 5 और फिर एकदम 18 ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 6, 3, 18 मैं बोल सकता हूँ, ठीक है 6 और मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे यहाँ पे, फिर मैं 3 के बाद 5 बढ़ाऊंगा तो 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 6×5 35 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी भी कट जाएगा, तो क्योंकि इस तरीके कोई सीरीज नहीं बन पा रही है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 18, 30, 42 की, तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पे 6, 3, 18 फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे 3 में प्लस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 6×5 30 ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे 6×5 35 बोला था सॉरी, तो 6×5 30 यहाँ पे कुछ गलती की थी शायद मैंने, तो एकदम मुझे ध्यान आ गई, तो यहाँ पे 6×5 30 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आपने प्लस टू करके, यहाँ पे फिर 5 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6×7 तो 6×7 आपने किया तो कितना होता है 6×7 = 42 तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो समझ में आ गया आपको, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी पहले एक दो बार ये मतलब ये वीडियो भी अगर देखी हुई होगी और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम एकदम क्वेश्चन को देखेंगे एग्जाम में तो शायद कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बट अब इस तरीके के एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लीजिएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, और इसमें यहाँ क्या क्या बताना है आपको देखते हैं पढ़ के। ए और बी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आई थिंक या 9 है, तो आप इसका आंसर बताइएगा 8 का राइट आंसर क्या रहेगा। ए और बी भाई हैं, ई पुत्र है एफ की, सॉरी पुत्री है एफ की, तो यहाँ पे ए और बी एक ही जनरेशन के हो गए और दोनों भाई भाई हैं, तो हम इसको यहाँ पे प्लस के निशान से या फिर गोलाई करके किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ई पुत्री है एफ की, अगर ई एफ की पुत्री है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एफ लिख के और ई इसकी पुत्री हो जाएगी ए, ठीक है। नेक्स्ट बोला है एफ पत्नी है, एफ पत्नी है बी की, तो बी की पत्नी है तो इसको माइनस का निशान लगा के इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन शो कर सकते हैं। भाई ये ए बी भाई भाई है, तो ये भाई है तो एफ ई एस की पत्नी हो गई, तो ये प्लस है ये माइनस हमने लगा दिया, और ये इसकी पुत्री है तो ये बी की भी पुत्री होगी, और ये भाई भाई है तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये इसके अंकल हो जाएंगे, ई के अंकल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है, ई का ए से क्या संबंध है, तो ई का ए से क्या संबंध हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर ऑप्शन देखूँ तो हमें भतीजी हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये भतीजी हो जाएगी, ये इसके अंकल हो जाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी, क्योंकि बहन नहीं हो सकती, पुत्री नहीं हो सकती, भाभी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो समझ में आया होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन तो आपके RPF में और आपका ग्रुप डी में, ALP में और UP पुलिस, मतलब इस तरीके से मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस बना के लाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही होता है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज और आपकी डिजिट चेंज कर दी जाती है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराया करें कि ये कहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप बस डेली वीडियो को देखते रहिए, आपको रिविजन और डेली नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, तो इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि फायरवुड को एक कूट भाषा में ERIFDOOW लिखा जाए तो उस कूट भाषा में फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे समझाऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको लेके चलते हैं यहाँ पे और इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फायर और वुड इन दो को अलग अलग तोड़ लिया गया है, और यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो पहले नंबर पे है इसको 4 नंबर पे नीचे लिख दिया गया है, और जो 4 नंबर पे है इसको पहले नंबर पे, और इस तरीके से क्रॉस बना के ये आपका कोडिंग की गई है, ठीक है। तो आपको तो बस रिलेशन समझ में आना चाहिए कि ये फायर वुड जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से, मतलब किस तरीके से लिखा गया है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो नेक्स्ट आपका जो वर्ड पूछा जा रहा है फ्रैक्शन वो आप इजिली लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही कि जो आपका लास्ट 4 लिखा था उसको लास्ट वाला लिख दिया गया है, और जो लास्ट में लिखा था उसको लास्ट से पीछे से 4th नंबर पे लिख दिया गया है, और उसी तरीके से ये आपका बन जाएगा, ठीक है भाई। अब देखें यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रैक्शन को, FRAC हमने एक तरफ लिखा, TION हमने एक तरफ लिखा, ठीक है। अब इनको बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा था ना वैसे लिखेंगे, तो ये आपका F यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे, A यहाँ पे, तो आपको ये देखिए एक तो ये बन गया, फिर T यहाँ पे आ जाएगा, N यहाँ पे, I यहाँ पे, O यहाँ पे, तो NOIT ये आपका बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये
ठीक है भाई, तो इसको इन सभी चीज़ों का आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी हार्ड नहीं होता, बस आप थोड़ा सा रिवीजन में रहिए और अपडेट रहिए डेली वीडियो से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीचे एक आकृति श्रृंखला दी गई है जिसमें एक आकृति लुप्त है, चार दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पे जो प्रश्न आकृति है उसको थोड़ा सा देखिए और उसके बाद फिर यहाँ पे बताना है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा नेक्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट वाले में क्या चलेगा। आपने देखा यहाँ पे राइट का साइन है, ये राइट का साइन फिर यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, सॉरी ये मैंने एक स्टेप आगे चला गया हूँ, यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्रॉस ऊपर था, सॉरी क्रॉस नीचे था, ये ऊपर आ गया, और ये आपका त्रिभुज ऊपर था, ये नीचे आ गया, यानी कि आपको समझ में आ गया कि इनके जो है प्लेस जो थे वो चेंज हो गए हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे चेंज हुआ ना इससे इसमें, तो ये आपको चेंज करना है, यानी कि अगर आपका क्रॉस ऊपर लिखा है तो इसको तो ये तो नीचे आएगा, त्रिभुज आपको ऊपर आएगा, बीच में गोला वैसे रहेगा, राइट यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो एक ऐसी फिगर आपको देखनी है जिसमें ये सब कुछ हो रखा हो। तो यहाँ पे देखिए एक बार, ऊपर आपका त्रिभुज है, नीचे आपका क्रॉस होगा, यहाँ पे राइट आएगा, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ऊपर क्रॉस आ जाएगा, सॉरी ऊपर त्रिभुज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन ऑप्शन में से किस में ये चीज़ें हो रखी हैं, ठीक है। तो आपका अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूँ तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे राइट का तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट क्रॉस का चिन्ह वहीं पर ही है, तो ये नहीं हो सकता। क्रॉस इसमें भी ऊपर ही है, इसमें क्रॉस भी चेंज है, बट इसमें त्रिभुज दो आ गए हैं, क्योंकि त्रिभुज तो दो नहीं है ना, तो ये भी हट जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गोरैया, गोरैयों, पक्षियों और चूहों के मध्य संबंध को भली भांति दर्शाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन है, अगर मैं बात करूँ गोरैया सॉरी गोरैया और पक्षी, तो गोरैया तो पक्षी होती है बट चूहा पक्षी नहीं होता है, यानी कि दो चीज तो एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं, बट जो आपका चूहा है वो अलग है। तो एक फिगर आपको ऐसी फाइंड करनी है जो तीन फिगर से एक अलग शो हो रही होगी। तो ये आंसर आपका ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी तीनों चीज एक दूसरे को रिलेट कर रही है, ये भी तीनों चीज एक दूसरे को रिलेट कर रही है, और ये भी, तो तीनों गलत हो जाएंगे, हमें कुछ सोचना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गोरैया पक्षी है और चूहा अलग होता है। तो यहाँ पे किसी भी तीनों इनमें, इन तीनों में किसी में भी अलग चूहे को नहीं दर्शाया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में था इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा टॉपिक स्टडी का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप टॉपिक स्टडी को सर्च करेंगे वहीं पे आपको टॉपिक स्टडी मिल जाएगा, और कुछ ना कुछ आपको मतलब किसी ना किसी तरीके से कहीं पे आपको करंट अफेयर मिलेगी, कहीं पे आपको मोटिवेशनल कुछ पोस्ट मिलेंगे, तो सब जगह फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर चीज़ों से अपडेट रखा